हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर ग्रेट। व्यूअर्स, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स में एवर और नेवर को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, एवर का मतलब है इन योर लाइफ टाइम, आपकी ज़िंदगी में। पास्ट में ये एक्शन जो है एवर जब हम लगाते हैं, उसका मतलब है कि पास्ट में आया ये एक्शन आपकी ज़िंदगी में हुआ है, और एनी टाइम इन योर लाइफ आया। आपकी जो पिछली ज़िंदगी है, 2 साल, 3 साल, 20 साल, 30 साल, ये अमल, ये एक्शन आपने किया है या नहीं किया है। तो ये एवर का मतलब है, इट इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैज़ एवर हैपेंड इन योर लाइफ। इस ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है कि ये हमें वो एक्शन दिखाए कि ये एक्शन आया आपकी ज़िंदगी में अभी हुआ है या नहीं हुआ। इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चन सेंटेंसेस मोस्टली, ये हम क्वेश्चन सेंटेंसेस में लगाते हैं 90%, एंड बट वी कैन ऑल्सो यूज़ इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एट द मिडल ऑफ। लेकिन जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम मिडल में ये इस्तेमाल करेंगे। लाइक हाउ ब्रस, हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स, क्या आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में जो है घोड़े पर सवार हुए हैं या घोड़े पर सवारी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रस कि यह हमें लाइफ की एक्सपीरियंस बताता है कि आया आपकी ज़िंदगी में ये एक्शन हुआ है। हैव दे एवर टेस्टेड फ्रेंच फूड, आया उन्होंने कभी फ्रेंच फूड ट्राई किया है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्रस कि ये दोनों सिचुएशंस उसकी ज़िंदगी के मतलब है कि पास्ट में उन्होंने ये सिचुएशन की है या नहीं की है। तो यह प्रोग्रेस ये एक किस्म का एक्सपीरियंस भी शो करता है कि उन्होंने ये फ्रेंच फूड और जो रिडन हॉर्स है ये पास्ट में की है या नहीं की है। एंड पॉजिटिव सेंटेंस बस, इफ़ यू एवर विजिट पाकिस्तान, ये कंडीशन है, कंडीशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कभी भी पाकिस्तान आए, यू मस्ट विजिट अस, तो आपको चाहिए आप खामखा हमारे तरफ एक चक्कर लगाए। तो ब्रस ये एवर है। नेवर ब्रस ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, इसका मतलब है कि ये जब हम सेंटेंस में लगाते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि नॉट हम लगाते हैं, लाइक नेवर इज़ एन एडवर्ब मींस एट नो टाइम, कोई किसी भी टाइम क्या नहीं हम इसका लेते हैं, और ऑन नो ओकेजन, और इसका मतलब है कि ये एक्शन हुआ है या सिचुएशन हुई है, इसका मतलब है कि ये नो टाइम है, इसका मतलब कि एक्शन नहीं हुआ है और नो ओकेजन पे है। लाइक इट इज़ यूज इन पॉजिटिव सेंटेंसेस बट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर्स कि नेवर जो है तो के हम पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन नेवर का जो मतलब है वो नो है, इसका मतलब एट नो टाइम, किसी भी टाइम पे नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मतलब है वो फिर क्या है, वो नेगेटिव देता है। लाइक आई हैव नेवर सीन हिम इन द पार्क, तो यहाँ पर सेंटेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब कि मैंने उसको अभी तक पार्क में नहीं देखा। तो यहाँ पर देखिए कि नहीं का मतलब क्या है, नॉट है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है, और ये नेवर की मदद से और नेवर की वजह से सेंटेंस हमें नेगेटिव मीनिंग मिलता है। वी विल नेवर एग्री टू योर स्टेटमेंट, हम और ही विल नेवर एग्री टू योर स्टेटमेंट, वो आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो बयान है, उस पर वो कभी भी एग्री नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेकिन नहीं का मतलब देता है। एंड दे नेवर विजिट अस, और वो कभी भी यहाँ पर नहीं आए। तो ब्रस एवर जो है हमें लाइफ की एक्सपीरियंस बताता है। ये दोनों एडवर्ब्स है, ये भी एडवर्ब है, इंडेफिनेट टाइम है, और ये भी इंडेफिनेट टाइम्स है। इंडेफिनेट टाइम का मतलब है ब्रस कि जब हम ये सेंटेंस में लगाएं तो सेंटेंस में जो टाइम है वो अनक्लियर होगा फॉर बोथ द लिसनर एंड फॉर द स्पीकर। सो ब्रस एवर इज़ यूज्ड एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस एट द मिडल ऑफ सेंटेंस। एवर मीन्स इन योर लाइफ टाइम, एंड नेवर मीन्स एट नो टाइम। नेवर गोज विद द वर्ड नॉट, एंड नेवर इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस बट गिव नेगेटिव मीनिंग। सो ब्रस होपफुली इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, सो सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और सजेशंस यू कैन कमेंट बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।